एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं नायका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मैंने नायका से कुछ रैंडम स्टफ मंगवाया, उनकी कुछ सेल वगैरह चल रही थी, लेकिन मैं आपको ये बॉक्स अनबॉक्स करूँ उससे पहले मैं आपको ये एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैंने कुछ भी आपको ऐसा सामान नहीं दिखेगा इसमें जो आपको लगेगा कि यार हम कुछ नया देख रहे हैं या ये देख रहे हैं। इसमें जो भी सामान होगा ये लाइक यू नो साल से, दो साल से, पता नहीं कितने टाइम से, यू नो ये इन मार्केट है, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं इनको अभी इसलिए खरीदा है क्योंकि यार आप खुद समझो, दो महीने पहले तक मैं कुछ नहीं थी, मेरे पास इतना मेकअप का स्टफ था जितना मुझे खुद के तैयार होने के लिए सफिशियंट था, लेकिन अब एज अ ब्यूटी ब्लॉगर लगा लो, अब एज अ यूट्यूबर लगा लो, आई हैव टू बाय, मुझे अब एक्स्ट्रा सामान खरीदना है और नई नई चीज़ें खरीदनी है। तो जस्ट वही चीज़ें हैं, ये जो भी इसमें सामान होगा ये सारा आपने पहले देखा भी होगा, इनफैक्ट आपने यूज़ भी किया होगा, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने इसलिए ऑर्डर किया। तो नाउ लेट्स ओपन द बॉक्स। अब मैं इसको खोलती हूँ एंड अब सबको पता है कि नायका की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होती है, इनफैक्ट नायका लगा लो, अमेजन लगा लो, पर्पल लगा लो, सबकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। सब तो मैंने इसको खोल लिया है एंड मैं बारी बारी से प्रोडक्ट्स निकालूंगी। मैं आपको अभी इनकी प्राइसिंग वगैरह कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा यू नो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं एक एक प्रोडक्ट के परचेज लिंक्स आपको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, ये है लैक्मे का रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन। ये अब आपको पता ही है ये लैक्मे का रोज पाउडर है एंड इसकी प्राइसिंग है 160 रुपीज। मेरे पास नहीं था, ये लूज पाउडर है तो मेरे पास ये नहीं था, तो इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है रोज की, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसका मैं अलग रिव्यू भी डालूंगी। ठीक है, एक तो मैंने ये मंगवाया, परचेज लिंक सब सबके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये है पिंक शेड में, शेड वगैरह भी मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। है सॉफ्ट पिंक 01 सॉफ्ट पिंक। ये है व्हाइटन अप रोज पाउडर विद सनस्क्रीन, ये है व्हाइट कलर में आपको मिलेगा। मैंने सुना था इसमें भी रोज की स्मेल आती है, इसमें भी सेम स्मेल आ रही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा ना रोजी पिंकी सा शेड देगा और ये बिल्कुल व्हाइट एंड अप देगा। दोनों लूज पाउडर्स हैं एंड दोनों का यू नो मैं रिव्यू डालूंगी उसके बाद। अब ओके, अब ये है वादी हर्बल्स का सुपरबली स्मूथिंग हीना शैम्पू विथ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं वादी हर्बल्स के यू नो शैम्पू का रिव्यू करूं क्योंकि मैंने वादी हर्बल्स के क्लेंजिंग मिल का किया हुआ था एंड आई एम यूजिंग द वादी हर्बल्स लिप बाम ऑल्सो। तो मैंने फिर इसके उनके और भी थे यार, दो तीन थे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये मेरा मेहंदी वाला, ये हीना वाला है, तो मेरा मन था कि मैं इसको ट्राई करूँ। प्लस इसमें ग्रीन टी था एंड आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग काफ़ी बड़ी है, प्लस ये काफ़ी यू नो अच्छा था यार। फिर तो 165 रुपीज में मुझे इतना बड़ा यू नो पैकेजिंग मिल गई प्लस विथ अ पंप। अब मैं इसको दो तीन बार इसके साथ पहले मैं शैम्पू करूंगी, यूज करूंगी, फिर मैं आपको इसका यू नो रिव्यू बताऊंगी कि ये कैसा मेरे बालों पे इसका इफेक्ट रहा, अच्छा लगा नहीं लगा, सब कुछ मैं आपको इसका बताऊंगी, लेकिन मैं अभी इसको यू नो थोड़ा सा 3-4 बार यूज करके ही आपको रिव्यू करूंगी। एंड इतनी बड़ी पैकेजिंग सिर्फ 165 रुपीज में थी। ओके, अब मैं डालती हूँ, अब ये है, अब ये नहीं, मैंने ये मंगवाया था, ये है लैक्मे की पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। मेरा मन था कुछ यू नो कुछ ऐसा ट्राई करने का, ये है पीच मिल्क, ये थी 100 रुपीज की, आई गेस ये भी डिस्काउंट पे चल रहा था, 20% या 25% डिस्काउंट चल रहा था एंड फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आई होप यू कैन सी द बेबी पिंक कलर है इसका। इसको भी अब मैं 2-3 दिन यू नो यूज करती हूँ एंड फिर मैं आपको इसका रिव्यू डालूंगी। एंड इसकी प्राइसिंग थी 100 रुपीज एंड 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट है। और एक और बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने दो दो रोज पाउडर क्यों मंगवाए हैं, तो यार मैं अपना यू नो एक मैं अपना सोचा था मैं अपने मम्मा को देना है, तो मेरे मम्मा को जो दोनों में से अच्छा लगेगा वो मैं उनको पकड़ा दूंगी। एंड अब मैंने ये मंगवाया है ब्लू हेवन का लिप बाम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, ये लिप बाम आएगी आपको एंड इसका भी मैं अलग रिव्यू डालूंगी। ये 85 रुपीज का 8 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट है। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे साथ यू नो कनेक्टेड है उनमें से किसी ने बोला था कि मैं इसका यू नो रिव्यू करूं, तो फिर मैंने नायका से ऑर्डर प्लेस कर दिया। चलो तो मैं इसका अलग ही रिव्यू डालूंगी, इसको 1-2 दिन यू नो यूज कर लूँ पहले। एंड अब निकाला मैंने ये,
अनबॉक्सिंग करने में मजा बड़ा आता है, क्योंकि आपको ना 4-5 दिन में प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने ऑर्डर प्लेस क्या किया था, तो मुझे खुद एक्साइटमेंट होती है कि मैं यू नो इसको ओपन अप करके देखूं। एंड ये है वादी हर्बल्स की लिप बाम स्ट्रॉबेरी, ये आपको पता ही है, ये अब आपको तो पता ही है मेरी कितनी फेवरेट लिप बाम है। ओके, फिर मैंने मंगवाया है लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन SPF 8, और मेरा शेड है इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन 01, मेरा शेड है 1, एंड ये 250 रुपीज़ का है, लेकिन ये मुझे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट पे मिल गया था लैक्मे के ऊपर, यू नो 20% का डिस्काउंट चल रहा था, तो और ये इसका भी मैं 25 ml है ये प्रोडक्ट, तो इसको मैं सुना है मैंने ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, तो मुझे था कि यू नो थोड़ा सा लैक्मे का मेरे पास कुछ भी ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं था, मेरे पास ज़्यादातर मेबलिन के प्रोडक्ट्स थे, तो अब मैंने इसलिए इसको मंगवाया। अब फिर मेरे पास है लैक्मे का, अब देख सकते हो मैंने थोड़े लैक्मे के इधर प्रोडक्ट्स ज़्यादा मंगवाए हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा सा यू नो लैक्मे का वन ब्रांड ट्यूटोरियल करूँ, तो अभी तक मैंने लैक्मे की कोई आई शेडो किट नहीं ऑर्डर की, तो अच्छी सी दिखेगी तो वो मैं ऑर्डर प्लेस करूँगी। ये है लैक्मे का आई लाइनर एंड लैक्मे 9 to 5 ब्लैक इम्पैक्ट लाइनर। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि स्टे क्वर्की का लाइनर बेकार है, अच्छा नहीं है, लैक्मे का ज़्यादा अच्छा है, तो आई थॉट कि यू नो गिव इट अ ट्राई, मैं इसको यूज़ करूँगी, इसका अलग रिव्यू डालूंगी, प्लस मैं स्टे क्वर्की का लाइनर एंड इस लाइनर का यू नो एक कंपैरिजन वीडियो भी करना चाहती हूँ, पर पहले उसके मैं इसको यू नो यूज़ करके देखूंगी। एंड इसकी प्राइसिंग थी, आई डोंट नो यार प्राइसिंग दिख नहीं रही, वैसे मैं इसका जब रिव्यू डालूंगी एंड परचेज लिंक में आप देख लेना, सॉरी मुझे इसकी प्राइसिंग लिखी नहीं हुई कहीं पर, दिख नहीं रही। फिर मैंने मंगवाया लैक्मे की 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक, ये लिपस्टिक है, इसकी भी प्राइसिंग आई डोंट नो, हाँ 480 रुपीज़ की ये लिपस्टिक है, लेकिन आई गेस मुझे 360 रुपीज़ में मिल गई थी, 20% डिस्काउंट था, एंड माई शेड इज मेपल मैप, शायद मेपल मैप MB 14 मेपल मैप, इसका भी अलग रिव्यू जाएगा, मैंने सुना था ये शेड बहुत अच्छा है, एंड चलो मैं इसको आपको लगा के भी दिखाऊंगी, अलग इसका रिव्यू करूंगी। एंड फिर मैंने मंगवाया, अब देख सकते हो मैंने लैक्मे के ज़्यादातर ही प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, आपको मैंने बता ही दिया यार वन ब्रांड ट्यूटोरियल करना है। एंड अभी मैंने लैक्मे का मस्कारा मंगवाया है, और ये मस्कारा है मेरे पास लैक्मे आइकॉनिक रॉयल ब्लू, मैंने सोचा मेबलिन के मेरे पास 3 मस्काराज हैं तो ब्लैक कलर में है, तो वाई नॉट ट्राई दिस डिफरेंट ब्लू, और मैंने रिव्यूज में देखा था कि ब्लू काफी यू नो अच्छा है उनका, मतलब अच्छी लुक आती है ब्लू के साथ, तो मेरे पास ब्लू था नहीं, अब आई गेस खत्म हो गया। आप देख सकते हो मैंने अपने बॉक्स को एम्प्टी कर दिया है, एंड टोटल मैंने 10 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, ज्यादातर प्रोडक्ट्स यू नो लैक्मे के ही थे, तो दिस वॉज द अनबॉक्सिंग ऑफ नायका। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं सबके परचेज लिंक्स डाल दूंगी, मैं सबके अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिव्यू भी करूंगी। सो टिल देन बाय।